नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। फासदेवा में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, दो की मौत 28 घायल, पिकअप वैन पलटने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फासदेवा में दर्दनाक दुर्घटना के बाद सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और महकमा परिषद सभाधिपति अरुण घोष ने उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पीड़ितों से की मुलाकात। सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर बन रहा हाइड्रेंट, सड़क किनारे बने दुकानों को तोड़ा गया, मेयर गौतम देव ने प्रभावित व्यवसायियों से की मुलाकात। सिलीगुड़ी में कहीं पानी की किल्लत तो कहीं पानी की बर्बादी, विभिन्न वार्डों में पानी की बर्बादी की तस्वीरें हुई कैद। बांकुड़ा जिले का रहने वाला 24 वर्षीय विप्लव सिंह की अनूठी पहल, साइकिल यात्रा के माध्यम से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ कार्यक्रम के प्रति लोगों को कर रहा जागरूक। सिलीगुड़ी में बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले प्रधाननगर थाना की सफेद पोशाक की पुलिस ने डकैत गिरोह के चार युवकों को किया गिरफ्तार। चारों आरोपियों को डकैती करने के तहत मामला दर्ज कर सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। 6 महीने बाद खुला राजगंज का बानी टी स्टेट, श्रमिक दिखे खुश, 2 किस्तों में श्रमिकों का बकाया बोनस का किया जाएगा भुगतान। 3 साल से घर पर बिस्तर पर पड़े फुलबाड़ी के जितेंद्र छेत्री ने आर्थिक मदद की लगाई गुहार। सिलीगुड़ी के बेटे सोलन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल जुडिशियल सर्विस परीक्षा में 19वां रैंक प्राप्त कर पूरे शहर का नाम किया रोशन। दिनहाटा में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर आग्नेयास्त्र के साथ दिनहाटा थाना के पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जयगांव विकास बोर्ड कार्यालय में 2 ग्राम पंचायतों जयगांव और दलसिंहपाड़ा ग्राम पंचायत के सभी कर्मियों के साथ डेंगू को लेकर किए बैठक। कुछ बिहार पंचानन वर्मा यूनिवर्सिटी की महिला आवासन में रहने वाली छात्राएं 9 दिनों से पीने का पानी की समस्या से जूझ रही है। इस मुद्दे को लेकर छात्राओं ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को सौंपा ज्ञापन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।